आपको पाल पोस की इतना बड़ा किया है, आप उसके बगैर रह सकती हो? जो 2 दिन का लौंडा है उसके बगैर नहीं रह सकती? हाँ हाँ नहीं रह सकती उसके बिना। दीदी आप ऐसा खाए सकती हो यार? तुम मुझसे बात मत करो, तुम तो लोग। दीदी किसके साथ भाग रही हो? दीदी एक चीज बता देना, ये सब लौंडे ऐसे ही होते, कोई आपकी जिम्मेदारी उठाएगा नहीं, ठीक है? दीदी सुनो, ऐसे लोग पता क्या करते हैं, वहाँ जाओगी आपको छोड़ के बीच रास्ते में चले जाएंगे, फिर घूमना इधर उधर। ऐसा तुम जानते हो इसके बारे में वो कैसा है? दीदी 100 में से ना 1 ही 2 लोग होते जो सच्चा प्यार करते हैं, नहीं तो सब खाली टाइम पास वाले हैं। हाँ तो उसी में कहीं तुमने से उसी में कहा है। दीदी इतना जल्दी नहीं मिल जाते हैं, एक दो कर रही हो, मत जाओ मैं कहूँगा, ठीक है? मैं जाऊँगी तो मुझे जाना है। दीदी ऐसे लड़के ना अच्छी सीधी सादी लड़कियों से फोन पे बात करते हैं, फिर उनको लेके भाग जाते हैं, ठीक है? अगर आप वहाँ को छोड़ के भाग गया तो आप कहाँ जाओगे? ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। अब तुम ज्यादा मत बोलो, समझ में आया कि नहीं? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोले, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो बताओ, कुछ ज्यादा उसके बारे में? मैं वैसे लड़कों के बारे में अच्छे से जानता हूँ, आज आपके साथ है, आपसे मन भर गया तो दूसरे के साथ चले जाएंगे, ठीक है? हाँ दुख पीते हुए बच्चे, अभी तुम जानोगे क्या कर लो, क्या होना है, क्या होने वाला है, तुम उसके बारे में जानते हो? जब तक तुझे खाना नहीं खाता है तब तक वो भी नहीं खाता है, जब तक सोने नहीं जाता है तब तक वो भी नहीं सोता, उस लागे तो मुझे सोता है। आप जानती हो उसके घर पर देख रहे हैं? फोन से बात करते हैं, फोन से। फोन पे दीदी ना सभी लोग सही ही नहीं बोलते हैं, ठीक है? आज सुनो, तुम ज्यादा उसके बारे में बुराई कर रहे हो मेरे सामने। हाँ वो जब तक मुझे सुनाता नहीं है तब तक वो सुनता नहीं, समझ में आया ना? जब तक मैं खाना ना खाऊ ना तब तक वो भी नहीं खाता है। अच्छा आप देख लेती हो उसके घर जाके? हाँ मैं देख लेती हूँ, प्यार की रिलेशन भूल गया, उससे बहुत 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 ढेर सारा प्यार करता है और मैं भी करती हूँ, समझ में आया कि नहीं? वाला प्यार नहीं हम लोग के बीच में। अरे सुनो मेरा बॉटल लेके जाओ। ए मैं जाऊंगी उसके साथ, मैं पीऊंगी क्या 5 गिलास रात में तो? अच्छा इतना प्यार करता है, 20 रुपए का पानी नहीं खरीदते पिला सकता? एक ठंडा पानी में इतने भर दी वो अपनी, ये समझ में आया ना? पीछे मत आओ, मुझे जाने दो, समझ? तुमको बोले तो तुम जाओ, मुझे जाने दो, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चली आ रही हो? नहीं दीदी अब पगुल क्या है मेरी बात? मैं पीछे पीछे क्यों आ रही हूँ? दीदी वो किस चीज़ का जानती है? नहीं पता यार, मुझे नहीं पता रहता, मुझे उन लोग से क्या लेना देना है, मुझे उनसे लेना देना है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। कितने दिन से बात कर रही हो उससे? 2 हफ्ते हुई है, 4-5 दिन से। आप 4 ही 5 दिन मेरे साथ भागने लगे? हाँ हम लोग प्यार करते, हम लोग का प्यार कर रहा है ना, इसके वजह से। अच्छा 4 ही 5 दिन से तैयार हो गई आप उसके लिए भागने के? ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो गलत फैसला लेने के बाद जिंदगी भर बैठ कर रोती हैं, ठीक है? हाँ सुनो अब मेरी प्यार की गाली में तो समझ में आया कि नहीं? जो आएगा मैं समझ लूँगी। हाँ जी दोस्तों मेरे पीछे भी दिखाते मैं, तुम चलो मेरे पीछे पीछे। हाँ चलो मैं भी तो देखूँ आपका आशिक कैसा है। तुमको क्या बताया, मेरा आशिक एकदम हीरो है, हीरो। अच्छा हीरो, तो चलो मैं भी देख ले रहा हूँ कितना बड़ा हीरो है। आओ जल्दी। सुनो आज जाते थे ना मेरे उसके सामने मेरा बेइज्जती मत करना, वरना तुझे थप्पड़ लूंगी तुरंत। मैं नहीं बेइज्जती करूंगा। और सुनो उसका भी बेइज्जती मत करना, समझ में आया कि नहीं? आज तुम्हारा जो दिमाग चलता है ना वो मुझे पता है बेचारा। हां मैं नहीं कुछ करूं, खाली देखने चल रहा हूं कि आप कितना अच्छा आशिक है। हां चलो देख लेना, भागने के लिए तैयार। हां भागने लिए उसी में सच्चा प्यार करती हूं और करती रहूंगी। मम्मी पापा की याद नहीं आएगी जो आपको पासपोर्ट कितना बड़ा किए? याद आएगी लेकिन रो रो के ना अपना मन को हल्का करूंगी। अच्छा रो रो के? अच्छा भागो ही मत। भागूंगी भागूंगी, अब मैं मम्मी पापा के बिना खड़ा ना रहूंगी, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। अच्छा जो आपको पाल पोस की इतना बड़ा किया है आप उसके बगैर रह सकती हो? जो 2 दिन का लौंडा है उसके बगैर नहीं रह सकती? हाँ हाँ नहीं रह सकती उसके बिना। अभी तो आप उसके पास जा रही हो, तुम ले जाके बेच दीजिए किसी के हाथ में, तो तब तो घर भी नहीं आ पाओगी। वो बेचेगा ही नहीं क्योंकि मुझसे सच्चा मोहब्बत करता है। अच्छा बढ़िया है, उसके बारे में बस प्रश्न है। 2 दिन का प्यार बहुत अच्छा मोहब्बत करता है। चलो हम भी देख ले रहे हैं कितना अच्छा आशिक है आपका। हाँ देख लेना, आप सुनना पकड़ पकड़ बंद करो मेरे यहाँ, समझ गया? दिमाग में साथ क्या हुआ, अभी तक तो नहीं आया क्या? हेलो कहाँ हो राज?
अच्छा अब सुनो, मैं घर द्वार मम्मी पापा सबको छोड़ दी हूँ हाँ भागने के लिए आपके साथ। हाँ ठीक है आओ। ओए कहाँ इधर जब आप जा रही है तो मैं क्या करूँगा, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ तो मेरे हीरो को देखते जाना जिससे प्यार करती हूँ, लाखों में के लाखों में, अब तुमको क्या पता है। हाँ देख ले रहा हूँ उसको भी जिसके लिए आप माँ बाप को छोड़ रहे हो ना, यही आएगा ना। हाँ यही मैं वही बैठा हूँ। ए निशु क्या हुआ? अब सुनो, कोई बोलेगा ना कि तुम्हारी बहन कहाँ गई तो बोल देना कि मेरी बहन पढ़ने गई है दिल्ली मुंबई, ठीक है? मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोल दूंगा दीदी मेरी भाग गई है मुंह काला करवा के। हाँ तो मुझे कौन सा दिक्कत है, जाओ बोल देना। हाँ बोल दूंगा। अरे यार आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्या बोल रही थी कि चलो मुझे लेके भाग चलो। अरे यार हम लोग ट्रेन से जाने वाले हैं ना। अरे कहाँ जाने वाले हैं बताओगी? आप तो बोले थे कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप बोले कि चल चलो हम कहें ठीक है हम लोग भाग जाते हैं घर से। वो जो रात में बातें सुन रही थी ना वही ना। हाँ। अरे मैं अपने नाटक का रिहर्सल कर रहा था यार। ए गजब इंसान हो यार। ए तुमको नहीं पता है कि आजमगढ़ महोत्सव में नाटक हो रहा है, नाटक का रिहर्सल कर रहा था, तुम मेरे साथ भाग चलो हम लोग चल के कहीं नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ऐसा कोई मजाक करता है? मजाक नहीं रिहर्सल। मजाक कोई करता है? ऐसा कोई मजाक करता है? अरे यार वो नाटक, वो नो मेरा नाटक आजमगढ़ महोत्सव, ठीक है उसमें मैं एक लड़की से बोलता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अपने माँ बाप को घर बार सब छोड़ के मेरे साथ भाग चलो हम लोग चल के नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो मुझे लगा यार तुमसे बेटर कोई मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने तुमको फोन लगा के बोल दिया, फिर मैं सो गया। अब तुम तैयार हो गए भागने के लिए, तैयार हो गई। अरे यार थोड़ा सोचो, जो माँ बाप तुम्हें पैदा किए हैं उनके बड़े अरमान है कि हम अपने बेटी बेटा का शादी धूमधाम से करेंगे, अब तुम भागने की फिराक में आ गई हो, बहुत गजब आदमी हो यार। हाँ सुन, रो मत रो मत, जो सच्चाई थी मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम और थोड़ा प्यार वार हो जाए चला जाए मेलिया में। हाँ बगीचों में चलो। अरे यार जुम्मा माँ हो जाए यार, तुम कपड़ा पड़ा लेके आई हो क्या साहब? अरे बाप रे, आ जाओ भाग जाओ भाग यहाँ से। क्या हुआ? सुनो मेरा नाटक शुरू होने जा रहा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है मिलते हैं शाम को। लोग कटते और मेरे से मिलने का कोशिश भी मत करना, मेरा फोन भी नहीं करना, तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। अरे यार मेरी बस इतनी गलती है कि वो रिहर्सल में तुम्हारे साथ कर लिया, फिर बताना तो चाहिए। अरे यार यही तो एक्टिंग है कि आदमी फोन पे भी चाहे जैसे भी, एक्टर जब एक्टिंग करता है तो लोग रियल मानते हैं, तुम रियल मान गई, तुमको नहीं पता हम नाटक में काम करते हैं। ए गजब यार, हम तो तुमने बताया घर जाओ नहाओ खाओ। अरे यार गजब मजाक मत उड़ाओ निशु, बोल दे रहे हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, प्यार प्यार नहीं उड़ा रहा हूँ। और कोई ये भागने वाला उसके साथ भाग जाओ, मैं जा रहा हूँ घर, वैसे मम्मी खो ही रही होंगी। नहीं मैं भी चलूंगी। नहीं हम भागेंगे, मजाक मत उड़ाओ, धोखा दे दिया बेचारा। क्या हुआ कुत्ता साला, मुझे धोखा दे दिया, किसी को बताना मत। मैं नहीं बताऊंगा, अब आगे से ये सब गलती मत करना, ठीक है? ये सब होते ही ऐसे हैं, जब मिल जाते एक बोझ तो निकल लेते हैं पतली गली से। इतना कमीना कौन है? क्योंकि वो एक्टर है, हर फिल्म में नई हीरोइन खोजते हैं, समझी? अबे उस कुत्ते को तो बताना चाहिए ना कि तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसी चीजें तो दिल तोड़ जाता है, उसे कुत्ता से मैंने सुनते कर। सुनो तो, ये एक्टिंग का अंत हो चुका है उसके मूवी का, अब वो दूसरी खोजेगा।